Students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss our topic transportation in plants, xylem tissue in class 10th in chapter 1 life process. In the previous video, we have discussed about the human circulatory system and human transportation. Our last topic was lymph functions. In this video, we are going to discuss transportation in plants. Okay student, let's start. बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किन किन चीज़ों का होता है। सबसे पहले आता है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अदर मिनरल्स, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, वाटर एंड फूड, यानी वाटर, फूड, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, अदर मिनरल्स, इन सब का प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी इन सब मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये सारे मटेरियल बॉडी में, प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होते हैं। तो इन सारे मटेरियल को प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स को हम इन शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं वस्कुलर टिश्यूज़। वस्कुलर टिश्यूज़ हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा जाइलम टिश्यू और एक होता है हमारा फ्लोएम टिश्यू। तो बात करेंगे जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। चलिए बात करते हैं जाइलम टिश्यू की। तो जाइलम टिश्यू क्या होता है? जाइलम टिश्यू का काम ये रहता है कि ये क्या करता है, पूरी प्लांट बॉडी में वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और वाटर एंड मिनरल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। दिस इज़ अ सिंपल फिगर, दिस इज़ अ लेयर ऑफ ग्राउंड एंड दिस इज़ अ रूट ऑफ दिस प्लांट एंड दिस इज़ अ स्टेम एंड दिस इज़ लीफ। अब बात करते हैं जो रूट होती है उसके क्या होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर्स क्या होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो होता ये है कि जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ये जो रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो रूट हेयर से क्या होता है, जो वाटर होता है वो रूट हेयर में पास होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, तो ये वाटर क्या होता है, रूट हेयर में पास होता है। एंड दिस वाटर क्या होता है, जब आपका यहाँ पर लेयर में पहुँचता है, यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं जाइलम टिश्यूज़। एंड जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, इस वाटर को पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रूट में कैसे ट्रैवल करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के थ्रू रूट हेयर में पहले एंटर होते हैं, उसके बाद फिर ये पूरे रूट में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि जाइलम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देर आर फोर टाइप ऑफ जाइलम पार्ट्स। नंबर वन इज़ जाइलम फाइबर, नंबर टू इज़ जाइलम पैरेन्काइमा, नंबर थ्री इज़ जाइलम ट्रकेट्स एंड नंबर फोर वेसल्स, यानी जाइलम वेसल्स। जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर, दिस इज़ अ फिगर इन विच जाइलम एलिमेंट्स हैव बीन शोन। यानी इस फिगर में जाइलम वेसल्स के बारे में बताया गया है, जाइलम एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। नाउ दिस इज जाइलम फाइबर, दिस इज जाइलम ट्रकेट्स, दिस इज जाइलम वेसल एंड दिस इज जाइलम पैरेन्काइमा। अगर बात करें जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये लिविंग सेल से बना होता है। लिविंग सेल्स का मतलब ये होता है कि अभी इसमें ग्रोथ हो सकती है, यानी कि इसमें एक तरीके से ये लिविंग सेल्स के बने होते हैं, यानी कि लिविंग सेल्स का मतलब जिनमें अभी ग्रोथ पॉसिबल है, इनकी ग्रोथ अभी रुकी हुई नहीं है। बात करें अगर फाइबर्स की, ट्रैकेट्स की और वेसल्स की, ये कैसे होते हैं, डेड सेल के बने होते हैं। डेड सेल का मतलब ये होता है कि जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है, अब उनमें आगे ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। और इनमें क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है जो इनकी वॉल्स को क्या करता है, हार्ड बना देता है। ओके स्टूडेंट, जस्ट ओपन योर बुक एंड रीच पेज नंबर 35। इन दैट पेज देयर इज़ अ टॉपिक जाइलम। लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जाइलम हैज़ फोर टाइप ऑफ सेल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रकेट्स एंड वेसल्स। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स, यानी सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो रहते हैं वो आपके लिविंग सेल्स होती हैं, यानी जिनमें ग्रोथ पॉसिबल है, और बाकी जो रहते हैं अदर आर डेड, एम्प्टी एंड लिग्निफाइड। लिग्निफाइड क्या होता है, एक टाइप का केमिकल होता है जो क्या करता है, इनकी वॉल्स को बनाने का काम करता है। किसकी वॉल्स, यानी फाइबर्स की, ट्रकेट्स की और वेसल्स की। वेसल्स एंड ट्रकेट्स आर ट्रैकरी एलिमेंट्स। ये कैसे होते हैं, ये ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं बिकॉज दे आर टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं वेसल्स एंड ट्रकेट्स। वेसल्स आर लॉन्ग मल्टी सेलुलर ट्यूब्स। वेसल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग मल्टी सेलुलर ट्यूब्स होते हैं और विच आर फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड यूनियन ऑफ सेवरल सेल्स इन विच क्रॉस वॉल्स हैव ब्रोकन डाउन। ओके स्टूडेंट, जस्ट टेक अ लुक इन द वेसल्स। नाउ दिस इज़ अ फिगर एंड इन दिस फिगर जो वेसल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे जो ब्लैंक आपको पोर्शन मिलेगा, ये जो छोटे छोटे गैप मिलेगा, दिस इज़ पिट्स। ये पिट्स क्या होते हैं, यानी कि ये आपके वो पोर्शन होते हैं जहाँ पर लिग्निन कलेक्ट नहीं होता। एंड
अब बात करते हैं जो इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, यानी जो सेवरल सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होती रहती हैं, यानी कि एंड टू एंड इस तरीके से कनेक्ट होती रहती हैं कि एक टाइप की क्या लगती है कि ऐसे रॉड लगती है जिसमें क्या होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही हैं, एंड टू एंड क्या हो रही हैं, कनेक्ट होती जा रही हैं, यानी कि एंड टू एंड क्या होगा, इनमें गैप नहीं मिलेगा सिर्फ इन पिट्स को छोड़कर। दीज आर पिट्स, और पिट्स क्या होते हैं, पिट्स वो रहते हैं जिनमें आपके लिग्निन कलेक्ट नहीं होता, या अनलिग्निफाइड एरिया भी कहते हैं हम इसको। ट्रैकेट्स आर एलोगनेटेड सेल्स। ट्रैकेट्स कैसे होते हैं, ये एलोगनेटेड सेल्स होते हैं विद पॉइंटेड एंड्स। ओके स्टूडेंट, जस्ट टेक अ फिगर, टेक अ लुक इन दिस फिगर। ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स के जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं। नाउ दिस इज़ अ पॉइंटेड एंड एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंटेड एंड। पॉइंटेड एंड का मतलब ये होता है कि इनका जो एंड पार्ट जो रहता है वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है, यानी बहुत ही एक पॉइंट साइज पार्ट होता है जिससे मटेरियल क्या होता है, आगे ट्रांसपोर्ट होता है। दिस इज़ अ पॉइंट एंड एंड दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट एंड। बोथ द ट्रैकरी एलिमेंट्स हैव पिट्स और अदर थिन अनलिग्निफाइड एरियाज ऑफ एलिमेंट्स टू अदर एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स मूवमेंट ऑफ वाटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपके वेसल्स में जो अनलिग्निफाइड एरियाज होते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं पिट्स, इनका काम क्या रहता है, ये वाटर को, मिनरल्स को क्या करते हैं, आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और पिट्स कब क्रिएट होते हैं, ये तब क्रिएट होते हैं जब इसमें क्या होता है, लिग्निन कलेक्ट नहीं होता, इन्हें हम कहते हैं अनलिग्निफाइड एरियाज। ज़ाइलम पैरेन्काइमा टेक पार्ट इन लेटरल फ्लो ऑफ वाटर। अब बात करें जो ज़ाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये लेटरल फ्लो ऑफ वाटर को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लेटरल फ्लो ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि वाटर क्या होता है, इसमें धीरे 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 क्या होता है, पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है।